कोरोना में जरूरी क्या चीज है, वो है अर्ली डिटेक्शन। जितनी जल्दी हमारा कोरोना पता चलेगा, उतनी जल्दी दवा की ट्रीटमेंट चालू की जा पाएगी और उतनी ज्यादा हमारी रिकवरी की संभावना बढ़ जाएगी, हमारी डेथ की संभावना कम हो जाएगी। सिचुएशन इश्यूज क्या होते हैं कि लोग बहुत ही छोटी मोटी बातों के बारे में सोचकर कि हम कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन हो जाएंगे, हमारा शायद दुकान धंधा बंद हो जाएगा, डर के मारे अपना टेस्ट नहीं कराते। टेस्ट ना कराने के कारण वो ना सिर्फ दूसरों को फैलाते रहते हैं, बल्कि चूंकि उनका कोरोना सामने नहीं आता तो उनकी अंदर से तबीयत भी खराब होती रहती है। हमने तो ये भी देखा है कि जिन सोसाइटीज को कंटेन किया गया है, क्वारंटाइन किया गया है, वहां पर फ्री में, मुफ्त में रैपिड एंटीजन टेस्ट नीचे करवा रहे हैं, पर लोग न जाने क्यों एक इरेशनल फियर, एक अतार्किक जो भय उनके मन में है, उसके कारण नीचे नहीं आ रहे, उसके कारण अपना टेस्ट नहीं करवा रहे। दोस्तों, हम सब इस कोरोना की लड़ाई में साथ हैं और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जल्दी से बाहर आइए, बाहर निकलिए और अपना टेस्ट करवाइए, ताकि कोरोना को हम जल्दी बाहर ला सकें और अगर हमें पता चल जाता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा करके बाकी लोगों को तो हम बचाएंगे ही बचाएंगे, पर हम अपनी भी जान की रक्षा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तक मेरा यह आग्रह, मेरी अपील जरूर पहुंचेगी और हमारी एरिया में, हमारी यूटी में, हमारी सिलवासा में जितनी भी जगहों पर कंटेनमेंट जोन बना है, जितनी भी जगहों पर टेस्ट कराया जा रहा है, आप सब भारी से भारी संख्या में आएंगे और अपना टेस्ट कराएंगे और इस मौके को जाने नहीं देंगे। वहां पर पूरा पीपी किट पहन के एक बच्चा, एक पैरामेडिकल का स्टूडेंट बच्चा बच्ची, जो हमारे जैसे परिवारों साथ है, सुबह से लेकर शाम तक पसीने से लथपथ होता है, उतना कष्ट सहता है, आपके लिए सहता है, आपकी जान बचाने के लिए सहता है। पर आपकी जान तब तक नहीं बच सकती जब तक हमें आपका सहयोग नहीं मिलता, हमें आपका साथ नहीं मिलता।